अच्छा ये ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रैफिक या रश की ना कोई बात ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आते हैं खाने कि कुछ ही मिनटों में ना ये कड़ी जो है, अभी आपको पतीला नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये पतीला जो है वो नीचे लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इनका खाना ना जैसे घर में बनाती है माँ बनाती है, जैसे जी घर का ना माँ बनाती जो हमारी माँ ही है। वाह वाह वाह, इतने अच्छे इनका खाना होता है, घर का खाना होता है, खा के बिल्कुल सेटिस्फाई होता आदमी। क्या बात है, और बहुत रीजनेबल रेट में होता है। क्या बात, और हम तो बहुत सेटिस्फाई। थोड़ा बहुत और सर, बाइक में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अपना हरिहर भाई साहब। आज मेरे पे बस ट्रस्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ, आज फूडीज पैराडाइज है। तो ये है जी बंटू जी की स्पेशल रेडी और ये है जी बंटू जी की स्पेशल कड़ी। और भाई साहब ये कड़ी जो है ना, ये आज मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ ये देख पा रहा हूँ, क्योंकि भाई लुधियाना में ये देखने को ही नहीं मिलती है। बंटू जी थोड़ी सी इसको चला के दिखाइए, ये देखो कड़ी का जायका भाई साहब। बंटू जी क्या क्या मसाले रहते हैं इसमें? सर जी इसमें मसाले तो वैसे अपने पीसता हूँ 14-15 मसाले, वो पीसता हूँ जी जी जी। खाली प्याज को पकौड़े निकालता हूँ, प्याज हरी मिर्च ये डाल के इसको पकौड़े निकालता हूँ। और ये जो रोगन आ रखा है सर, ये क्या चीज़ है? ये देगी मिर्च है तड़का, फड़का। क्या बात है सर, एक सेकंड फोन साइलेंट कर लीजिए और इसको थोड़ा चला के दिखाइए, मज़ा नहीं आया। ये कढ़ी का जायका देखो भाई साहब, ये देखो कढ़ी सर, इधर से थोड़ा सा रोगन छेड़ दीजिए हल्का सा, वैसे तो कहते हैं कि पाप हो जाएगा पर रोगन थोड़ा सा छेड़ दो। ये लो, ओए 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 ओए। भाई साहब भुनी हुई जो फ्राइड लाल मिर्च है ना, उसका जो जायका आ रहा है, उसका जो अरोमा आ रहा है, विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा, इतना इसको बनाने में कम से कम मैं 7 बजे रखता हूँ, जाके 10:30 बजे 10 बजे 7 बजे 3 घंटे पकाता हूँ, मतलब खुरचन बना देते हो कड़ी। क्या ये चीज टमाटो है? ये है जी चीज टमेटो। और भाई साहब इसका भी जायका देखो, इस मुझे लगता है इसमें वो होगा ना अपना काजू मगज की पेस्ट होगी। नहीं इसमें काजू खाली मगज डालते, काजू हम एक्स्ट्रा माल कुछ नहीं डालते। अच्छा जैसे घर खा लिया हमारे पास खाली एक बराबर। वाह 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 वाह। तो ये है जी चीज टमेटो, ये तो नाम से पता चल जाता है कि टमाटर है इसमें, हरिया धनिया है, ऊपर से रोगन है जी, और पनीर के ब्यूटीफुल डायगनल पीसेस हैं। ये आ गया जी भड़ता। ये है जी भड़ता, इधर मैं भड़ते के लिए थोड़ा एंगल चेंज कर रहा हूँ भाई साहब, इधर से आता हूँ। ये देखो भाई भड़ता, वाह मटर वाला जबरदस्त, हरिया धनिया वाला भड़ता। ये जो बैंगन होता है तंदूर से, स्मोकी फ्लेवर आएगा यार, बहुत जबरदस्त। ये दाल है जी, और इधर हम जा रहे हैं जी दाल के लिए, ये आ गई जी इनकी दाल। अच्छा छोलिया की दाल है जी। सर एक गल दसो, मामा वांग की आप आने नहीं किया? नहीं पाने, वो मामा ही पाती है। नहीं जैसे गाय डिमांड करता है ना, नहीं पाने एक दिन बीच में डाल के बना देते हैं। अच्छा इसमें आज डालो माँ दरी डाल डाली काली वाली छिलके डाल। वाह 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 भाई साहब, ये दाल का ना आप गाढ़ापन चेक करो, देखो अच्छे से पकी हुई दाल है, और रोगन हर सब्जी में मिलेगा आपको लुधियाना में। बंटू जी की रेडी जो है यहाँ पे आपको रोगन हर जगह पे मिलेगा। सर थोड़ी सी और फिर आके दिखाओ, ऐसे मज़ा नहीं आया। ये देखो भाई साहब, ये मैं आपको मैक्रो में दिखाता हूँ। ओए होए होए, वाह ज़बरदस्त है जी। अच्छा इनके प्राइसेस बता दो सर, रेट क्या है? दाल है 50 रुपए की हाफ जी, कड़ी 50 रुपए की हाफ है जी, पड़ता 60 रुपए का हाफ है, पनीर 80 रुपए का। अच्छा बहुत बढ़िया, और अगर किसी को पैक करा के फुल लेके जाना हो तो? हाँ हाँ फिर काउंटर डबल हो गया, 100 रुपए हो गया, उसका 180 रुपए हो गया। ठीक है, मतलब सीधा डबल है ये? हाँ डबल है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है, मैं जब बढ़ा के सर जी डीसी दफ्तर में जितनी लेडीज है ना, आगे आप घर से लेके जैसे मेरे कड़ी ले गए ना, वो घर हमने कड़ी बनाने छोड़ दिया। क्या बात है, ये घर में जाना हो तो यहाँ से पैक करा के ले जाते हैं, हमको आते हैं। वाह वाह, जैसे कोई खाना खाता ना कड़ी के साथ या पनीर खाता हो, कहते मैं अपने घर लेके जाता हूँ, अपनी बीवी को बताऊंगा ये कड़ी ऐसी घर में क्यों नहीं बनती। वाह क्या बात है सर, ये सवाल तो वैसे मेरा भी है पर मैं पूछ नहीं सकता, मेरी अभी नई शादी हुई है सर। नहीं वो बंदा जूके गया था जो आपको मिला था यहाँ पे, आज भी जूके है। अरे वाह, अभी मिसकाल आई उसकी मिसकाल आ रही है। क्या बात है, वो कह रहा तरसाई जा रहा है, कहता खुआया कब, उसने अक्टूबर में वापस आना है। क्या बात है, उनको कह दो यूके वालों के भाई साहब वहाँ भिजवा देते हैं, आप बात तो करो ना, एक कदम वीजा दे दो। नहीं मैंने उसको ना वीडियो सेंड कर दिया इसकी। अच्छा जी, वो देख के कहते तरसा रहे हैं, मैंने वीडियो सेंड कर दी उनको। क्या बात है, क्या बात है। चक्की का आटा है इसमें, कुछ मिलावट नहीं डालते हम जी, किसी में ओनली चक्की आटा है, घी लगता है अंदर पोंठे में, घी लगता है वो तब केला केला खुलता है जी। तो बनाइए सर उस्ताद जी, एक बना के दिखा दीजिए। और जो लच्छा पराठा है वो कड़ी के साथ और दाल के साथ आप रेकमेंड करते हैं ना? नहीं दाल की इच्छा है जी,
वैसे मैंने सुना है जो बोलता मैंने हल्दी नहीं खाना, वो बोलता मेरे को रोके नहीं, घी नहीं मतलब खाना, ऐसे बना दो। अच्छा, हल्का अंदर घी लगाते, उनको बाहर घी लगा के मतलब जिसको हेल्दी खाना है, जिसको थोड़ा फैट फ्री खाना है, वो घी नहीं लगवाता। ये ऊपर से हरिया धनिया आ गया जी, लच्छा पराठा बन रहा है आपके लिए। बंटू जी, यहाँ पे अपनी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग अपनी सुबह 11 से 4 बजे तक जी, और शाम को वहाँ पे ढाबे पे है ना? हाँ जी। वो उसकी भी टाइमिंग्स बता दीजिए। उसकी सवेरे 11 से रात को 11 बजे तक। जो लोकेशन है, जिन लोगों ने नहीं पता है, जिनको एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। एग्जैक्ट सामने न्यू कोर्ट आ गया जी, न्यू कोर्ट के बिल्कुल सामने ये फिरोजपुर रोड है। परफेक्ट परफेक्ट। और कचहरी के एकदम सामने बंटू जी दी रेडी। हाँ जी, मैं अमेरिका तो आया। अच्छा, ते मनु एना तो बंटू जी बहुत टेस्ट लग गया। यूएस तो किथों आए सर जी? हां जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਛਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। जी हमारी थाली सर सबसे पहले क्या आ रहा है? कड़ी आ रही है सर। ये आ रही है जी कड़ी, जबरदस्त एकदम गाढ़ी, एकदम बढ़िया, एकदम खड़े मसालों वाली 3 घंटे कड़ी हुई कड़ी। यार मज़ेदार है यार, ऊपर से वो लाल मिर्ची। सर एक मिनट फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज, नहीं तो वो आवाज़ आ रही होगी। ये आ गया जी पनीर, चीज़ टमेटो आ गया जी, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है इनका। और आज बंटू जी की रेडी पे वेज वेज खाना मिल रहा है, देख के मैं भी हैरान हूँ भाई कि नॉन वेज है ही नहीं। ये आ गया भरता जी, ये आ गया जी भरता। वाह, इधर से ये आ गई जी दाल, दाल माँ छोले की दाल है, माँ और छोले की दाल है जी, ज़बरदस्त। और साथ में सर चटनी प्याज रख दो, फिर मैं उधर से रोटियां उठाता हूँ और हम इसको चखते हैं खाते हैं। ये आ गए जी चम्मच। भाई आप 4 दोस्त आओ, ऐसे 4 सब्जियां लो, साथ में लो लच्छे पराठे और चटनियां प्याज। ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, अब बड़ी गल, वाह 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 ज़बरदस्त। ये बस जगह बची है थोड़ी सी, यहाँ पे पापड़ या सलाद या कुछ ऐसा और रख लो, या रोटी रख लो आधी, और साथ में एक प्लेट लो, उसमें आप ये मुलाजिम अपने बहुत कितने साथ रोटी खा रहे हैं। क्या बात है जी, सत श्री अकाल जी। आप पिछली बार भी मिले थे, मुझे याद है। ठीक लगता है सर थोनू? ठीक है जी। ये स्पेशल खाना मंगलवार का। क्या बात है जी, क्या आगे पीछे नॉन वेज होता है, ये मंगलवार वो ओनली स्पेशल। वाह बहुत बढ़िया, जो खाता है वो याद करता खाना खाया था। जी जी जी, कई 5 स्टार में खाना खाएगा ना, पहले हमको याद जरूर करेगा, वहाँ पे एक बार खाना खाया था। वाह वाह वाह। ये भी स्कूल से छुट्टी करके सिर्फ कड़ी और परसा लेंगे। क्या बात, टीचर है ये? हाँ जी टीचर है। क्या बात है। अच्छा आप सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं ना? सर जी, इतने दिन पुराने कस्टमर हो गए तो जाने गई। वाह 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 वाह, कस्टमर नहीं आपके तो जैसे परिवार वाले हो गए हैं ना। ये देखो भाई साहब, ये हम ना थंबनेल लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, तो सर कहते कि टीचर हैं, तो हर एक को पहचानते हैं, हर एक को फेस से पहचानते हैं। बंटू जी भरते के ऊपर रोगन देखो भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल का रोगन है भाई। ये देखो देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग भड़का, वो वाली बात है। और भाई साहब यही सेम जो चीज़ है वो आपको दाल में, चीज़ टमेटो में। और भाई साहब इतना मुंह में पानी आ रहा है ना, मैं पानी संभाल संभाल के बात कर रहा हूँ। ये है जी आपका चीज़ टमेटो, इसमें भी वही अंग अंग भड़का। और ये है जी कड़ी, वाह ये देखो भाई रोगन नेक्स्ट लेवल का है। मुझे लग रहा है जब इनका खाना तैयार हो जाता होगा ना, तब ये घर पे बात करते होंगे कि यार अब ना रोगन बनाने का टाइम आ गया, तो 2 घंटे रोगन पे लगाते होंगे। बहुत तगड़ा, एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रोगन बना के फिर उसको इसमें डालते हैं, और फिर कहते हैं भाई हाँ अब हमारा खाना तैयार हो गया, लिपस्टिक सुर्खी बिंदी लग गई, हुण चलो जी कम पे। ये वो वाला हिसाब किताब है। मुझे ना ये करना नहीं आता, बट कोशिश हम करेंगे। तो शिज बाइट आ जाओ जी। ये आ गया जी भरता, ठीक है शिज बाइट, खियोगोस। जब मटर को मैश करो ना, तो उसका जो फ्लेवर आता है उसको इमेजिन करो, टमाटर की खटास में मिक्स किया हो, ऊपर से डाले हो मसाले, और एंड में जो आपके मुंह में जो जायका रह जाता है वो है जी तंदूर का, वो बैंगन का। ये वो स्वाद है भाई साहब, इतना ज़बरदस्त है। जो बैंगन के सीड्स भी हैं ना, वो भी अपना जायका दे रहे हैं, इतने अच्छे से पकाया हुआ बैंगन है। जो लास्ट फ्लेवर है, जो रेजिड्यू रहता है
वो है जी तंदूर का, बैंगन का। हियर इज आप सोच रहे होगे कि मैं वीडियो में ऐसे मजे ले लेके खाता हूँ, भाई साहब मैं असली में भी ऐसे मजे ले लेके खाता हूँ। मेरे आसपास जो बैठे होते हैं ना वो कहते हैं यार यही खाना है जो वो खा रहा है। हिज बाइट ओ भाई, मुझे जो सबसे पहला स्वाद आया वो था सूखे धनिए का, और वो जो सूखा धनिया है ना जैसे ब्लास्ट हुआ, जैसे ब्लास्ट हुआ वो सूखा धनिया। उसके बाद फ्लेवर प्रोफाइल खुल गया, कड़ी की खटास आई है बड़ी ज़बरदस्त, जो लाल मिर्ची है जो वो तड़का डाला हुआ है उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। इस तंदूरी रोटी को या इस चपाती को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, इसका जो जो करारापन है ना उसका जो अलग ही स्वाद आ रहा है भाई साहब। किसी महान शख्सियत ने कहा है कि शादी पे जाओ शगन डालो तो पनीर जरूर खा के आना, ये मैंने कहा है, आ जाओ। तो हियर इज अ डिप ऑफ द चीज टमेटो, हियर्स अ बाइट। भाई इसमें फ्लेवर है इनके चिकन वाले ग्रेवी का, मतलब ये नहीं है मसाले वो डाले हुए हैं या नॉनवेज डाला हुआ है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको नॉनवेज का मजा लेना है भाई साहब ये पनीर की ग्रेवी खाना। नॉन वेजिटेरियन लोग यही पनीर या यही ग्रेवी खाते हैं और बोलते हैं आहा हा, ये वही एग्जैक्ट सेम ग्रेवी है बस इसमें पनीर डाला हुआ है। ये आ गई जी, हियर्स द दाल, ये देखो भाई ड्रिप कर रही है। सैटरडे संडे को दबा के खा लो, मंडे को जब वो गिल्ट आता है ना दिमाग में कि भाई यार सैटरडे को ज़्यादा हो गया यार, बहुत खाया यार, बहुत ज़्यादा हो गया, हैवी खा लिया यार, पकौड़े खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिया, ये फ्लेवर जो है ये वो सादी दाल का है, जो फ्लेवर आपको आता है घर की दाल का ये एग्जैक्ट वो फ्लेवर है। अगर आप यहाँ पे आते हो मेरे कहने पे भरता ज़रूर ट्राई करना ट्यूसडे को, कढ़ी एब्सोल्युटली रिकमेंडेड है बट सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है जी पनीर, और मंडे को आते हो तो भाई साहब दाल ट्राई करना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। अगर आपने बंटू जी का खाना खाया तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कब आ रहे हो कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी यानी तो जौदा हंसदा ते बसदा रहे, साडा पंजाब लड़े साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो कि बंटू जी नॉनवेज में क्या कमाल करते हैं तो भाई साहब ये देखो।